हेलो गाइस, यू आर मोस्ट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इन दिस वीडियो वी विल सी द टॉपिक कॉल एडमिशन ऑफ पार्टनर। आफ्टर दिस वीडियो यू विल अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट ऑफ द एडमिशन ऑफ पार्टनर। सो इफ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन। सो लेट्स स्टार्ट द सम। द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ अदिल एंड समीर who share profit in the ratio of 2:1 as on 31st March 2018. Balance sheet as on 31st March 2018, in this liability side, liabilities and assets. So liability side, capital account, in that Adil Samir. So old partner is Adil and Samir, and the old ratio is 2:1. Third one, we have investment fluctuation reserve. What is the meaning of investment fluctuation reserve? It is the reserve which is the difference between the book value of the investment and market value of the investment. So book value of investment and market value of investment, दोनों का जो difference है वो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है। फोर्थ वी हैव जनरल रिजर्व। सो व्हाट इज जनरल रिजर्व, लेट अंडरस्टैंड इन डिटेल्स। सो फ्रेंड्स, फॉर एग्जांपल, मिस्टर एक्स इज डूइंग अ बिजनेस। सो ये बिजनेस में फर्स्ट ईयर प्रॉफिट हुआ ऑफ ₹5,000। मिस्टर एक्स सब अपने घर पे लेके गया। सेकेंड ईयर प्रॉफिट हुआ 10,000 का। मिस्टर एक्स 10,000 भी घर पे लेके गया। इन द थर्ड ईयर प्रॉफिट हुआ 50,000 का। मिस्टर एक्स और खुश हो गया, वो भी अपने घर लेके गया। इन द फोर्थ ईयर ये तो धमाका हो गया, 60,000 का लॉस हो गया। सो ये लॉस बेयर करने के लिए अब मिस्टर एक्स के पास कैश तो है नहीं, जो घर पे लेके गया वो तो खर्च हो गया। तो कंपनी क्या करती है, फॉर एग्जांपल मुझे फर्स्ट ईयर 5,000 का प्रॉफिट हुआ, सो मैं 2,500 साइड में रख दूंगा। सेकेंड ईयर हुआ, 5,000 साइड में रख दूंगा। थर्ड ईयर 25,000 साइड में रख दूंगा। कितना हो गया टोटल, 32,500। सो फ्रेंड्स, जो मैंने साइड में रखा उसको क्या नाम दिया है, जनरल रिजर्व। सो आप लोग को नहीं लगता ये रिजर्व जो है, जनरल रिजर्व, ये ओल्ड पार्टनर्स का है? सो इसलिए कोई भी चैप्टर में, फॉर एग्जांपल रिटायरमेंट, एडमिशन ऑफ पार्टनर, डिसोल्यूशन, कोई भी चैप्टर में जनरल रिजर्व को हमेशा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। बिकॉज ये प्रॉफिट किसका है, ओल्ड पार्टनर्स का है, तो ओल्ड पार्टनर्स को ये डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। सो नेक्स्ट इज सन्ड्री क्रेडिटर्स 63,000। कौन होते ये, जिनको पैसे पे करना है, सन्ड्री क्रेडिटर्स, जिनसे हम लोग ने उधारे पे माल लिया उनको पैसे पे करने हैं। लास्ट वन इज बिल्स पेबल। बिल्स पेबल को हम लोग डिटेल में देखेंगे इन द चैप्टर कॉल बिल्स ऑफ एक्सचेंज, बट अभी कितना है, 60,000। एसेट साइड, लैंड एंड बिल्डिंग 75,000, इन्वेस्टमेंट 1,08,000, डेटर्स 39,000, गुडविल 12,000, प्रॉफिट एंड लॉस 12,000। सो प्रॉफिट एंड लॉस कौन सी साइड है, एसेट साइड है, डेबिट साइड। क्रेडिट साइड रहता था तो हम लोग प्रॉफिट मान के, उसको प्रॉफिट रहता था उसको हम लोग पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड डिस्ट्रीब्यूट करते थे, बट अभी डेबिट साइड है, इट मीन्स ए लॉस है। लॉस को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ही डालना, लेकिन कौन से साइड, डेबिट साइड। सो ये ओल्ड पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है प्रॉफिट एंड लॉस, बिकॉज ये एसेट साइड है और ये लॉस है। नेक्स्ट है एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, ये भी क्या एक लॉस है एडवर्टाइजमेंट पे, उसको भी क्या करना है हम लोग को, डिस्ट्रीब्यूट करना है ओल्ड पार्टनर्स को। लास्ट वन वी हैव कैश 30,600। सो लेट्स
एडजस्टमेंट ऑन 1 अप्रैल 2018 राजू वॉज एडमिटेड इंटू पार्टनरशिप ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। सो आप लोग को एडमिशन ऑफ पार्टनर्स का सम स्टार्ट कहाँ से करना है, एडजस्टमेंट से स्टार्ट करना है। बैलेंस शीट को एक बार रीड कर लेना है, फिर उसके बाद एडजस्टमेंट को पढ़ना है, बैलेंस शीट को देखना है किसके ऊपर इफेक्ट आएगा। फर्स्ट वी हैव राजू पे ₹30,000 एज इज कैपिटल फॉर 1/4 शेयर। सो राजू ने क्या किया, 30,000 कैपिटल लाया क्योंकि राजू कौन है, न्यू पार्टनर। सो उसने पार्टनर्स न्यू फॉर्म में कैपिटल लाया 30,000। इसका एंट्रीज क्या रहेगा, कैश आया कैश अकाउंट डेबिट टू राजू कैपिटल अकाउंट। सो इसका लेजर इफेक्ट क्या रहेगा, कैश के डेबिट साइड एंड राजू कैपिटल के क्रेडिट साइड ₹30,000। नेक्स्ट वी हैव राजू पे ₹15,000 फॉर गुडविल, हाफ ऑफ द सम इज टू बी विदड्रॉन बाय द आदिल एंड समीर। राजू ने क्या किया, गुडविल लेके आया फॉर द न्यू फॉर्म ₹15,000। सो कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, बट आफ्टर दैट हाफ ऑफ द सम इज टू बी विदड्रॉन बाय द आदिल एंड समीर। हाफ मीन्स 15,000 का हाफ कितना, 7,500। ये किसने विदड्रॉ किया, ओल्ड पार्टनर्स ने। सो गुडविल का वीडियो मैंने पूरा बनाया था, उसमें आप लोग ने देखा रहेगा कौन सा केस है, थर्ड केस है, केस नंबर 3। अगर आप लोग ने नहीं देखा तो उधर जाके देख सकते हैं। थर्ड वी हैव आरडीडी इज टू बी क्रिएटेड एट द रेट ऑफ 10%। आरडीडी क्रिएटेड 10%, नॉर्मल इफेक्ट, लेस फ्रॉम डेटर, डेटर्स लेस होएगा, डेटर से पैसे लेने थे हम लोग को, अब इतने कम मिलने वाले तो हमारे लिए क्या है, लॉस है। सो लॉस है तो डेबिट साइड ऑफ द रिवैल्यूएशन अकाउंट। फोर्थ वन, द वैल्यू ऑफ द लैंड एंड बिल्डिंग इज एप्रिशिएटेड बाय ₹30,000। एप्रिशिएट हो रहा है मीन्स इनकम है ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। फिफ्थ वन वी हैव इन्वेस्टमेंट वेयर रिड्यूस बाय 22,500। मोस्ट इम्पॉर्टेंट एडजस्टमेंट, एग्जाम में आ गया तो आप 100% इसको गलत करने ही वाले हो। इन्वेस्टमेंट वेयर रिड्यूस बाय 22,500, नॉर्मल है, इन्वेस्टमेंट कितने से रिड्यूस हुआ है, 22,500। इन्वेस्टमेंट कितना है, 1,08,000, ये रिड्यूस हुआ है कितना, 22,500। हम लोग इसको यहाँ से इतने से लेस कर देंगे, बट हम लोग ने लाइबिलिटी साइड कुछ देखा था, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट, इसका मीनिंग क्या था, ये कौन क्या है, डिफरेंस बिटवीन द बुक वैल्यू एंड द मार्केट वैल्यू। सो डिफरेंस इतना है और मार्केट में हम लोग का इतने से कम हुआ है। सो फर्स्ट 22,500 में से 15,000 लेस करने पड़ेंगे। सो हम लोग को, क्योंकि 15,000 मैंने साइड में पहले ही रखे थे कि मुझे मार्केट में इतना लॉस हो सकता है इन्वेस्टमेंट में। सो हम लोग को क्या करना है, 22,500 में से 15,000 लेस करना है और जो बचेगा कितना बचेगा, 7,500। ये क्या हुआ, हमारा लॉस है। सो ये लॉस कहाँ जाएगा, रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, इसको स्टार मार्क कर लेते हैं। सिक्स्थ वन, सन्ड्री क्रेडिटर्स आर टू बी वैल्यूड एट ₹62,250। सन्ड्री क्रेडिटर्स कितने हैं, 63,000, बट अब वैल्यू कितना हो रहा है, 62,250। पहले हम लोगों को पे करना था 63,000, बट अब पे करना है 62,250, कम पे करना है। सो जितने का डिफरेंस वो हमारे लिए इनकम है। सो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड, बिकॉज इनकम है। रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस, नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या बोलता है, डेबिट द एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट द इनकम एंड प्रॉफिट। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो का मोस्ट इम्पॉर्टेंट एडजस्टमेंट जो है वो है ये कैपिटल एडजस्टमेंट। ये एग्जाम में हर बार आता है, एडमिशन ऑफ पार्टनर्स के सम को अगर टफ करना है तो ये एडजस्टमेंट आता ही आता है। सो ये एडजस्टमेंट आपको कहीं भी देखेगा। आप लोग को क्या करना है, 4 स्टेप फॉलो करना है जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ। सो फ्रेंड्स, कैपिटल्स ऑफ आदिल एंड समीर टू बी एडजस्टेड
taking Raju capital as base capital. Adjustment of capital is to be made through cash. कुछ समझा आपको? कुछ नहीं समझा रहेगा, मैं आपको चार स्टेप पहले बता देता हूँ. सो फ्रेंड्स, अगर कैपिटल एडजस्टमेंट आया, कैपिटल एडजस्टेड. सो फर्स्ट फाइंड न्यू रेशियो. आपको न्यू रेशियो फाइंड आउट करना पड़ेगा तीनों पार्टनर्स का. सेकंड, टोटल कैपिटल फाइंड आउट करना पड़ेगा. सब कैसे करना है मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा. एंड थर्ड वन, डिस्ट्रीब्यूट टोटल कैपिटल इन न्यू रेशियो. जो आप लोगों ने न्यू रेशियो फाइंड आउट करना है, ये कैपिटल को ये रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है. न्यू रेशियो डिस्ट्रीब्यूट हो गया. एंड फोर्थ वन, इसको कहाँ लेके जाना है? पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड. ये आपको हर एक सम में करना है. जहाँ पे वो एडजस्टमेंट आएगा, आपको ये चार स्टेप फॉलो करोगे, आराम से सॉल्व होएगा. अगर ये चार स्टेप आप लोग ने नहीं फॉलो किया सो आपका सम टैली होगा ही नहीं. सो हम लोग सॉल्यूशन पे चलते हैं. सो फ्रेंड्स, हम लोग को पूछा गया है, प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट. सो बनाते हैं. चलो फ्रेंड्स, मैं चाहता हूँ आप एक बार स्क्रीनशॉट ले ले पूरे सम का. सो आपके लिए इजी हो जाएगा जब हम लोग सॉल्यूशन करेंगे. सो फ्रेंड्स, हम लोग पहला रिवैल्यूएशन अकाउंट सॉल्व करेंगे. रिवैल्यूएशन अकाउंट में फर्स्ट क्या था? आरडीडी इज टू बी 10%. सो 10% ये क्या था? लॉस था हमारे लिए. सो टू आरडीडी ऑन डेटर्स का वैल्यू 39,000, 10% विल बी 3,900. एंड नेक्स्ट वी हैव इन्वेस्टमेंट, सॉरी, द वैल्यू ऑफ द लैंड एंड बिल्डिंग इज एप्रिशिएटेड बाय 30,000. सो एप्रिशिएट वाला मीन्स इनकम. क्रेडिट साइड बाय लैंड एंड बिल्डिंग, हाउ मच, कितने से अप्रिशिएट हुआ है? 30,000. देन वी हैव इन्वेस्टमेंट का फर्स्ट मैं आपको बोलता हूँ लॉस है. टू इन्वेस्टमेंट, अब इसको इन्वेस्टमेंट रिड्यूस कितने से हुआ था? 22,500. इतने से मार्केट में रिड्यूस हुआ था, बट हम लोग ने बैकअप प्लान रखा था कितने का? 15,000 का. सो जो डिफरेंस है, मुझे उतने का ही लॉस हुआ रहेगा. कितना लॉस हुआ, समझा आपको? सो नेक्स्ट वन इज सन्ड्री क्रेडिटर्स आज टू बी वैल्यू 62,250. सो डिफरेंस इज प्रॉफिट. हम लोग को ज़्यादा पे करना नहीं था, हम लोग को 63,000 पे करना था, बट अभी क्रेडिटर्स को कम पे करना है. सो हमारे लिए इनकम है हाउ मच? 750. सो यहाँ पे आप लोग का रिवैल्यूएशन अकाउंट हो गया. उसके बाद जो भी है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, फर्स्ट हम लोग इसको बैलेंसिंग कर लेते. क्या है? प्रॉफिट है. $30,750 is the total. So profit is $30,750 minus $37,500. The profit will be $19,350. The partners profit कहाँ transfer करना है? Partners capital account में. Old partners को अदील एंड समीर इन द रेशियो. ओल्ड रेशियो क्या था? 2:1. सो फर्स्ट वन 12,900 एंड वी हैव 6,450. रिवैल्यूएशन अकाउंट कंप्लीट हो गया. सेकंड वी हैव पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. सो फर्स्ट इन द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अदील
समीर एंड राजू, अदिल, समीर एंड राजू इन द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऑलवेज बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। जो बैलेंस शीट में इनका बैलेंस रहेगा ओल्ड पार्टनर्स का, अदिल का है 19,000 90,000 एंड समीर का 48,600। देन वी हैव रिजर्व है, जनरल रिजर्व था वो भी डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है। जनरल रिजर्व क्या होता है वो मैंने अभी डिटेल में एक्सप्लेन किया आप लोग को। ये किसका रहता है? ओल्ड पार्टनर्स का रहता है। सो जनरल रिजर्व इज 12,000, उनको 2:1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है इन द ओल्ड रेशियो। सो नेक्स्ट वी हैव, जो हम लोग को इधर पार्टनर प्रॉफिट हुआ था रिवैल्यूएशन अकाउंट बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट, हाउ मच? 12,900 एंड 6,450। देन वी हैव जो राजू ने कैपिटल लाया था, एंट्री क्या रहेगा? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, तो कैपिटल के क्रेडिट साइड बाय कैश अकाउंट इन द राजू कॉलम, हाउ मच? 30,000। देन वी हैव गुडविल भी लाया था राजू ने। नेक्स्ट वी हैव गुडविल एडजस्टमेंट। गुडविल का एडजस्टमेंट क्या था? राजू पे ₹15,000 फॉर गुडविल, फर्स्ट एंट्री क्या आएगा? कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। देन हाफ ऑफ द सम इज टू बी विदड्रॉन बाय द अदिल। गुडविल का यहाँ पे तीन एंट्री आएगा, फर्स्ट कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, क्योंकि केस नंबर 3 है, लास्ट वीडियो में भी देखा था, केस नंबर 3 है, कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स अकाउंट, तो ओल्ड पार्टनर्स के क्रेडिट साइड में बाय गुडविल, हाउ मच? 15,000 है इन द रेशियो 2:1, दैट इज 10,000 एंड 5,000। बहुत ही सिंपल है, लास्ट गुडविल का वीडियो देखे वो बहुत सिंपल है, वहाँ हम लोग ने डिटेल में बात किया था गुडविल के बारे में। सो यहाँ पे क्रेडिट साइड हो गया। देन वी हैव डेबिट साइड। डेबिट साइड में फर्स्ट जो बैलेंस शीट में हम लोग को लॉसेस दिए थे, फर्स्ट क्या था? प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस हमेशा ये साइड आता है, बट बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिया, मींस हम लोग का प्रीवियस ईयर का लॉस रहेगा, इसलिए पार्टनर्स के डेबिट साइड में आ रहा है इन द रेशियो 2:1। सो हाउ मच? 8,000 एंड 4,000। नेक्स्ट वी हैव टू एडवर्टाइजमेंट। सस्पेंस अकाउंट, सस्पेंस अकाउंट, हाउ मच? वो भी 12,000 है, 8,000 एंड 4,000 इन द रेशियो 2:1। देन वी हैव जो बैलेंस शीट में गुडविल था वो इन लोग का ओल्ड पार्टनर्स का टू गुडविल, ये ओल्ड गुडविल है, न्यू गुडविल नहीं है, वो भी 12,000 है। देन वी हैव गुडविल का एडजस्टमेंट, उसमें क्या बोल रहा था? गुडविल इज 15,000, बट हाफ ऑफ द 15,000 का हाफ 7,500 इज विड्रॉन बाय द अदिल एंड समीर, सो विड्रॉन, तो एंट्री क्या पास होएगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, सो पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड टू कैश अकाउंट, किस में लेके गए रहेंगे? कैश में लेके गए रहेंगे, कितना? 2:1 में 5,000 एंड 250। देन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एडजस्टमेंट वॉज पार्टनर्स कैपिटल एडजस्टमेंट, सो उसका पहले हम लोग वर्किंग नोट कर लेते हैं, देन इधर आएंगे। सो कैपिटल एडजस्टमेंट रेशियो, चार स्टेप बताए थे मैंने, फर्स्ट क्या था? एडजस्टेड, फर्स्ट वी हैव टू फाइंड न्यू रेशियो। न्यू रेशियो कैसे फाइंड आउट होगा? फर्स्ट वन माइनस जितना शेयर था, 1/4 शेयर था, देन वी गेट 3/4, सो फर्स्ट
Adil. First we have Adil. How much? 2:1. So 2:3 into this. आई होप आप लोग को न्यू रेशियो फाइंड आउट करने आता होगा, तो इसमें हम लोग टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करेंगे. देन वी हैव समीर. समीर का रेशियो 1:3, 3/4. देन 3/12. देन लास्ट वन राजू. राजू का रेशियो 1:4. सो कॉमन करने के लिए इंटू 3 करेंगे. सो 3/12. देन सेकेंड we have to find total capital. total capital ये कैसे find out करना है, एक simple formula मैं बताऊंगा. समझ गया तो आप लोगों को कभी doubts नहीं आएगा इसमें. first राजू, राजू ने अपना capital कितना लाया था? 30,000 as his capital for 1/4 share. अगर बंदा 1/4 के लिए 30,000 ला रहा है, सो कितना नहीं ला रहा है? 3/4. इतने के लिए नहीं ला रहा है. सो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट जितना लाया है 30,000 इंटू ये जो रेशो, इसको उल्टा करना है. 1:3.4. 4/4 कैंसल. देन 90,000. ये कितना है? 3/4 है. अभी भी टोटल कैपिटल आया नहीं. टोटल कैपिटल का फॉर्मूला, टोटल कैपिटल इज इक्वल टू 1/4 प्लस 3/4. सो कितना? 30,000 प्लस 90,000 विल वी गेट 1,20,000. सो ये हमारा टोटल कैपिटल है. स्टेप नंबर 2 खत्म होगा. स्टेप नंबर 3 इसको न्यू रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है. सो फर्स्ट अदिल, समीर एंड राजू. सो न्यू रेशियो क्या फाइंड आउट किया था? ऊपर 6:3, देन 2:1. देन वी हैव 60,000, 1,20,000. ये रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है. ये रेशियो में आपको मिलेगा फर्स्ट 60,000, देन वी गेट 1:1 में 30,000 एंड 30,000. अब ये आपको कहाँ लेके जाना है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड. क्या लिखेंगे वहाँ पे? बाय बैलेंस कैरिड डाउन. सो कितना आया था? 60,000, 30,000 एंड 30,000. सो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या आएगा? डेबिट साइड. कौन से साइड ट्रांसफर करना है? डेबिट साइड. सो लास्ट स्टेप इसको बैलेंसिंग करना है. जो भी डिफरेंस आएगा वो किस में ट्रांसफर करने बोला था उसने? कैश में. किस में ट्रांसफर करने बोला था? कैश में. एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल इज टू बी मेड थ्रू कैश. यहाँ पे कभी आपको लोन लिखा रहेगा, कभी कैश लिखा रहेगा, तो जितना भी डिफरेंस आएगा वो अकाउंट में ट्रांसफर करना है. यहाँ पे कैश लिखा तो हम लोग कैश में ट्रांसफर करेंगे. सो डिफरेंस देख लेते हैं. ये साइड का टोटल 30,000, 30,000 ये टैली हो रहा है. 30,000, 30,000. देन वी हैव टोटल 64,050. देन 1,20,900. 1,20,900. 1,20,900 माइनस दिस. आपको डिफरेंस आएगा कुछ, तो उसको कहाँ ट्रांसफर करना है? टू कैश अकाउंट. यहाँ पे कभी लोन लिखा रहेगा, कभी कैश लिखा रहेगा. सो 31,900. देन वी हैव 64,50 माइनस ऑल दिस. जो डिफरेंस आएगा, डिफरेंस इज 19,550. अब ये डिफरेंस कहाँ जाएगा? कैश में. कैश लिखा है ना, तो बैलेंस शीट के कैश अकाउंट. सो लास्ट वन वी हैव बैलेंस शीट एज ऑन 1 अप्रैल 2018. इन दैट फर्स्ट वी हैव कैश. कैश इज
सो नेक्स्ट वन इज डेटर्स, डेटर्स इज 39,000 लेस आरडीडी, दिस. देन वी हैव इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट का अमाउंट था 1,08,000 लेस 22,500, देन वी गेट 5,500. देन वी हैव लैंड एंड बिल्डिंग, हाउ मच 1,05,000. देन इन द लाइबिलिटी साइड वी हैव फर्स्ट बिल्स पेबल, दैट इज 60,000. देन सन्ड्री क्रेडिटर्स, न्यू अमाउंट वॉज 62,250. देन लास्ट वन कैपिटल अकाउंट अदील, जो हम लोग ने कैपिटल एडजस्टमेंट में वैल्यू फाइंड आउट किया था वही यहाँ पे आएगा. अदील, समीर एंड राजू. फर्स्ट वी हैव 60,000, 30,000, 30,000, टोटल इज 1,20,000. द टैली अमाउंट विल बी 2,42,250, 2,42,250. सो दिस वॉज द सम विच इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट सम ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर. यही सम एक है जो एग्जाम में बहुत बार रिपीट किया गया, और आप ये सम कर लेंगे रिविजन, अगर इसका रिविजन कर लिए एग्जाम के टाइम, सो आप लोग को और कोई सम करने की जरूरत नहीं, बिकॉज इसमें सब कॉन्सेप्ट कवर हो गया, इसलिए ये वीडियो लंबा है. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो.